नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में आपको वैसा चीज़ बताने वाला हूँ जो हिंदी पढ़ने और लिखने के लिए मैंने हर तरीक़ा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आप हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाह रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आप बिना 12 खड़ी के और बिना स्वर वर्ण के सहायता से आप कुछ भी पढ़ लिख नहीं सकते हैं। देखिए, कुछ भी पढ़ने लिखने के लिए सबसे पहले आपको मात्रा का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो इस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ। और मात्रा के साथ साथ कह सकते हैं कि 12 खड़ी जो मात्रा के ही सहायता से बनता है, यानी मात्रा के ही हेल्प से जो 12 खड़ी बनता है, उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम मात्रा को सिखाएंगे कि कैसे मात्रा और स्वर वर्ण का मात्रा क्या क्या होता है, और उस मात्रा के सहायता से जो 12 खड़ी बनता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो व्यंजन वर्ण होता है ना, जब व्यंजन वर्ण पे स्वर वर्ण की मात्राएं जब लगती है, यानी व्यंजन वर्ण पे जब स्वर वर्ण लगता है तो 12 खड़ी का निर्माण होता है। तो जब आप 12 खड़ी पढ़ लीजिएगा तो 12 खड़ी की सहायता से कुछ भी लिखा रहता है, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग स्वर वर्ण को देखते हैं, उसके बाद 12 खड़ी को बारी बारी से, यानी जो हम ककहारा बोलते हैं, क का की बोलते हैं, उसको हम लोग बारी बारी से पढ़कर देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये अ है, तो अ का मात्रा खाली होता है। दोस्तों हम लोग जो बोलते हैं ना अमात्रिक शब्द, तो ऐसा नहीं है, अमात्रिक शब्द कुछ भी नहीं होता है, उसमें अ का मात्रा लगा हुआ रहता है। यानी जितने भी व्यंजन वर्ण है वो सभी व्यंजन वर्ण में अ का मात्रा लगा हुआ रहता है। जो हम लोग पढ़ते हैं क ख ग घ, उस सब में अ का उच्चारण होता है, तो अ का मात्रा होता है, जो हम लोग ऐसे ही खाली बोलते हैं लेकिन अ का मात्रा होता है, ठीक है। उसके बाद है आ, तो देखिए आ का मात्रा जो होता है एक पाई होता है, डंडा, खड़ा डंडा होता है, तो ये है आ की मात्रा। यानी जिस भी अक्षर में ये लगा होगा तो उसका उच्चारण हम लोग आ के रूप में करेंगे। जैसे क में ये लगेगा तो इसको हम लोग का बोलेंगे, क्या बोलेंगे, का बोलेंगे। उसके बाद ये है छोटी ई, देखिए आप जब स्वर वर्ण पढ़ेंगे ना तो उसमें एक एक जोड़ा आपको मिलेगा, एक छोटा और एक बड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अ है इसी का बड़ा रूप क्या है, आ है। वैसे ही यह ई है, देखिए उच्चारण ई ही होता है लेकिन इसमें क्या, एक बड़ा है और एक छोटा है। वैसे ही ऊ में आप देख सकते हैं एक छोटा है और एक बड़ा है। वैसे ही यहाँ ए में देख सकते हैं छोटा ए है और ये ए को हम लोग बड़ा बोलते हैं। वैसे ही ओ है तो ये छोटा ओ और अ को, बड़ा को अ हम लोग बोलते हैं। वैसे ही अन और अ, तो अब इसके मात्रा को हम लोग बारी बारी से अक्षर पे लगा कर देखेंगे कि कैसे जब अक्षर में ये लगेगा तो इसका उच्चारण होगा। उसके बाद हम लोग 12 खड़ी को बारी बारी से पढ़ेंगे जो इसके मात्रा के सहायता से ही बना हुआ है। यहाँ पे देखिए छोटी ई है और छोटी की मात्रा ये है। जब क में छोटी ई का मात्रा लगेगा, जो छोटी ई का मात्रा हमेशा किसी भी अक्षर के पीछे से लगता है, तो जब क में छोटी की मात्रा लगेगा तो इसको बोलेंगे की। देखिए छोटी ई हमेशा पीछे से लगता है और बड़ी ई किसी भी अक्षर के आगे से लगता है, ऐसे, ठीक है। तो ये है की। उसके बाद ये है छोटा ऊ, देखिए ये है छोटा ऊ और ये है बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ का मात्रा ये है, ऐसे। तो छोटा ऊ का ऐसे होता है और जस्ट इसके उल्टा ऐसे होता है बड़ा ऊ का, ठीक है। यानी जिस भी शब्द में, जिस भी अक्षर में ये लगा होगा तो उसका उच्चारण जोर से होता है। देखिए नाम ही है इसका बड़ा, तो जो बड़ा होता है उसका उच्चारण जोर से होता है, ठीक है। उसके बाद ये है ए, तो ए का जो होता है एकले होता है, ऐसे एकले आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हटा के फिर से हम बता रहे हैं, देखिए ए जो है ए, तो इसका जो होता है ऐसे एक ठो एकले होता है, और ए का दो ठो ऐसे एकले होता है। यानी इसको क में जब ए की मात्रा लगेगा तो इसको पढ़ेंगे के, और जैसे ही क में आय की मात्रा लगेगा तो इसको बोलेंगे कए। वैसे ही ओ देख सकते हैं एक डंडा और एक ऊपर ऐसे होता है, तो जब क में ये लगेगा ऐसे तो इसको बोलेंगे को, और जब एक आकार और दो ठो ऊपर ऐसे दे देंगे, यानी एक डंडा के ऊपर दो ठो एकले रहेगा, तो इसको बोलेंगे औ। यानी क में जब ऐसे लगेगा तो इसको बोलेंगे कौ, क्या बोलेंगे कौ। देखिए को जो छोटा होता है ना उसको ऐसे ही भाषा में, सिंपल भाषा में बोल देते हैं, ठीक है। को ई ऊ ये सब क्या छोटा है, और बड़ा को कैसे बोलते हैं, ई ऊ क
ठीक है, तो इसको ध्यान देना है आपको। अब आइए हम लोग 12 खड़ी को बारी बारी से पढ़कर देखते हैं जो इसी स्वर वर्ण के सहायता से बना हुआ है। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा तभी आप पढ़ना लिखना सीखेंगे। ऐसे चाहिएगा कि वीडियो खोले देखे भागे तो ऐसे नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वैसा करना रहता तो हम ये इतना बड़ा वीडियो को हम 2 ही मिनट में खोलते और इसको पढ़ा के निकल जाते, लेकिन आपको इससे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो जब आप मेहनत कीजिएगा, समय दीजिएगा, तब आसानी से सीख जाइएगा। देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको, ये ध्यान देना है। क का की की कु कू के कै को कौ कन कह। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ख का 12 खड़ी। ख खा खी खी खु खू खे खै खो खौ खन खह। ये आकार दिया गया गलती से। ग गा गी गी गु गु गे गए गो गौ गन गह। अब उसके बाद घ का 12 खड़ी हम लोग देखेंगे। घ घा घी घी घू घू घे घै घो घौ घन घह। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे च का 12 खड़ी। च चा ची छु छु छे छै छो छौ चन छह। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे छ का 12 खड़ी। छ छा छी छी छु छु छे छै छो छौ छन छह। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ज का 12 खड़ी। ज झ ये सब है। ज जा जी जी जू जू जे जय जो जौ जन जह। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे झ का। झ झा झी झी झू झू झे झै झो झौ झन झह। अब उसके बाद है ट का। ट टा टी टी टू टू टे टै टो टौ टन टह। अब उसके बाद ठ का ड का ये सब का 12 खड़ी हम लोग देखेंगे। ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठै ठो ठौ ठन ठह। अब इसके बाद देखेंगे ड का। ड डा डी डी डू डू डे डे डो डौ डन डह। अब देखेंगे ढ का। ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढै ढो ढौ ढन ढह। अब देखेंगे अड़ का। अड़
अडा ली ली डू डू डे डे डो डो डन डह। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तथ द का बाड़ा खड़ी तो ता ती ती तू तू ते ते तो तौ तन तह थ था थी थी थू थू थे थे थो थौ थन थह द दा दी दी दू दू दे दे दो दो दन दह 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 दो ठो दन छूट गया दोस्तों यहाँ पे द अनुस्वार दन। अब इसके बाद ध का बारह खड़ी पढ़ेंगे ध धा धी धी धू धू धे धय धो धौ धन धह न ना नी नी नू नू ने नय नो नौ नन नह प पा पी पी पू पू पे पै पो पौ पन पह। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ का बारह खड़ी फ फा फी 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 सॉरी दो ठो फा लिखा गया फू फू फे फै फो फौ फन फह। अब इसके बाद ब का ब बा बी बी बू बू बे बै बो बो बन बह। अब इसके बाद देखेंगे भ का भ भा भी भी भू भू भे भय भो भव भन भह। अब इसके बाद देखेंगे म का बारह खड़ी म मा मी मी मू मू मे मै मो मौ मन मह। अब इसके बाद हम लोग य से देखेंगे य या यी यी यू यू ये ये यो यो यन यह। देखिए इसको यम और यन दोनों पढ़ते हैं यानी चंद्र जो अनुस्वार है ना उसको यम भी पढ़ते हैं यानी म और अन अम और अन दोनों का उच्चारण उसमें होता है। जैसे ऐसे लिखा है इसको रम या रन दोनों पढ़ सकते हैं र रा री री रू रू रे रे रो रो रन रह ल ला ली ली
लू लू, ले लय, लो लो, लन लह। उसके बाद व से देखेंगे, व वा, वी वी, वु वु, वे वै, वो वाओ, वन वह। उसके बाद तालव्य स, देखिए ये तीन ठो स है, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, तीनों को स ही बोलते हैं लेकिन तीनों में अंतर है। एक को बोलते हैं तालव्य स, दूसरा को बोलते हैं मूर्धन्य स और तीसरा को बोलते हैं दंत स। तालव्य स को तालु से इसका उच्चारण होता है श, और मूर्धन्य स का श, श यानी मूर्धा से, ठीक है, और दंत स को दांत से, स स ऐसे करके उच्चारण होता है। तो आइए इसको हम लोग पढ़कर देखते हैं, श शा, शी शी, सु सु, से शय, सो सौ, सन सह। इसको पढ़ेंगे, श शा, शी शी, शु शु, से शय, सो सौ, सन सह। और इसको पढ़ेंगे, स सा, सी सी, सु सु, से सै, सो सौ, सन सह। अब उसके बाद पढ़ेंगे ह का बारह खड़ी, और छ का, त्र का और ज्ञ का। तो ह हा, ही ही, हु हु, हे है, हो हौ, हन हह। अब उसके बाद छ का देखेंगे, ये देखिए संयुक्त छ है, इस ये क और ये मूर्धन्य ष, ये दोनों मिलकर बना है ये छ। इसका इंग्लिश जो लिखा था ना, के एस एच लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तब इसको हम लोग पढ़कर देखते हैं, श छ, छी छी, छु छु, छे छै, छो छौ, शन शह। अब त्र का, त्र त्रा, त्रि त्रि, त्रु त्रु, त्रे त्रै, त्रो त्रौ, त्रन त्रह। अब ज्ञ का, ज्ञ ज्ञा, गी गी, ग्यु ग्यु, गे ग्ये, ग्यो ग्यो, ज्ञान ज्ञः। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी भी मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, करके थोड़ा सा हेल्प कीजिए। चलिए तो आज के क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।